हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं आज कार्यक्रम सुमिरन लेकर। आशा है आप लोग सब हमें देख पा रहे होंगे। ये कार्यक्रम राजस्थान फोरम श्री सीमेंट और रघु सिन्हा माला माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से आप तक पहुंच रहा है। आप तक पहुंच रहा है। हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग सब अपने चाय नाश्ता लेकर अपने अपने मोबाइल लैपटॉप के सामने बैठ जाएं, क्योंकि अभी सभी का ये टी टाइम है। तो बैठ जाएं और इस संगीत का आनंद लें आपकी चाय के साथ। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा अपनी चाय के साथ। ये एक अनूठी प्रस्तुति है राजस्थान फोरम रघु सिन्हा माला चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री सीमेंट के सौजन्य से। बने रहिए हमारे साथ। शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापिनि वीणा पुस्तक धारणीय जाडानकारा हस्तस्फाटिक मालिका पद्मासने संस्थिता वंदेतां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदान
अपना भाग्य जगाने, मन में राम बसाने। राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। हे राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीत लगाते जीवन पार लगा ले, मन में राम बसा ले। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय। आप लोगों के मैसेजेस हम पढ़ पा रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोगों को भी एक अनूठी पहल है। फिर काहे तू सारी उमरिया,
आपसे कभी मिलना नहीं हुआ, लेकिन आप आज लाइव सुन पा रहे हैं और आपके कमेंट्स भी पढ़ पा रही हूं मैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब आप साथ में गाइएगा तब तो मजा आएगा। कम से कम तालियां तो बजा दीजिएगा साथ साथ। नीलम जी, थैंक यू सो मच। कभी राम बन के कभी श्याम बन के।
लोगों को सबको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे पता लगा घर में बैठ के भी आप लोग साथ साथ गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। आपसे यही उम्मीद है, ऐसे ही साथ बना रखिए। चलिए तुम्हें हरो रे आशीर्वाद।
गालिब कहते हैं, और उन्होंने एक से एक बेहतरीन नगमे, गीत, गजल, नज़में लिखी, फिल्मों में, फिल्मों से अलहदा उन्हीं का एक नगमा पेशे खिदमत है जो आज के मौजू से बिल्कुल मेल खाता है। आप सबके मैसेजेस हम देख पा रहे हैं और हमें भी बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। Thank you.
किसने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो पक्षी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईमान बनाया। तू तो हर तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरे नहीं है, इंसान को रोंगे वो कदम तेरे नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरे नहीं है, इंसान को जो रोंगे वो कदम तेरे नहीं है। कुरान जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, फरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बनेगा मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये नगमा पसंद आया होगा। अब ये सबको साथ में गाना है। हर सुंदर मंगल मुकुंदा हर नारायण हरि ओम, हर गोविंदा हर नारायण हरि ओम, हर केशव हर गोविंदा हर नारायण हरि ओम। हर सुंदर मंगल मुकुंदा हर नारायण हरि ओम, हर सुंदर मंगल मुकुंदा हर नारायण हरि ओम। गोकुल के प्यारे
यहाँ एक से एक रणबांकुरे हुए, एक से एक उद्योगपति हुए, व्यवसाय एक से एक संगीतज्ञ हुए। और बात करें हमारे अगर गुलाबी नगर की, तो विष्णुमोहन भट्ट साहब को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता, जिन्होंने ईजाद करके एक नया रूप दिया है। और ये जो प्रस्तुति है, हम चाहेंगे आप सभी लोग हमारे साथ इसको गाएं, साथ साथ गाएं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। Thank you.
Thank you.
जिससे भी आप अपनी एकता का परिचय दे सकते हैं वो दें। आइए इसी भाव को हम इस गीत से प्रस्तुत करते हैं। एक बार Yeah.
आज सब लोगों के साथ समय का पता ही नहीं लगा, एक घंटा हो चुका है और आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि संगीत की ना कोई भाषा है, ना धर्म है, ना जात है, ना पात है। इतना अच्छा लग रहा है हम लोगों को आप लोगों के साथ, और ये आपके सम्मुख हम लोगों ने प्रोग्राम किया राजस्थान फोरम इन कॉलेबोरेशन विद श्री सीमेंट्स लिमिटेड एंड रघु सिन्हा माला माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद है आगे भी हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप लोग इसी तरह से देते रहेंगे। मैं खास तौर से सर्वेश जी का, अमृता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस शाम को आयोजित करने के लिए। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप सभी का आभार, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उन सबको हमारा प्रणाम। नमस्कार। आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। नहीं, जैसे बंद खत्म हो जाएगा उसके बाद तो अपन वैसे कभी मिलेंगे तो बाकायदा ऑडिटोरियम में करेंगे प्रोग्राम। और इसमें तो बंधन था कि हम सभी लोग इस लॉकडाउन के चक्कर में अपने अपने घरों में, तो आप सबका एक बार पुनः पुनः धन्यवाद। लेकिन इस फोरम के थ्रू आप सभी से एक तरह से वापस मुलाकात हुई, सभी फेसबुक मित्रों से आज बहुत अच्छे से रूबरू उनको जानने का मौका मिला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं फिर ऐसे ही किसी मंच में आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी और रूबरू होगी। आप सभी का तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच।